Good morning to all of you. Today I am going to discuss parametric functions. Sometimes x and y are given as functions of single variable. For example, x equal to phi t and y equal to psi t are two functions and t is a single variable. If in such a case, x and y are two parametric equations and t is called the parameter. To find the derivative of these equations, dy by dx equal to dy upon dt dx upon dt. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा dy upon dx आ जाएगा. कहने का यह मतलब है कि यहां पे दो इक्वेशंस होंगी और x का जो पैरामीटर है वो t है, यहां पर भी t है, तो हम लोग क्या करेंगे, dx upon dt निकालेंगे, dy upon dt निकालेंगे और दोनों को अपॉन कर देंगे इस टाइप से, तो हमारा dy upon dx आ जाएगा. सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज dx upon dt इक्वल टू a, डायरेक्ट कर दे रहा हूं मैं, cos t का क्या होगा बच्चों, माइनस साइन t प्लस, अब log x का फॉर्मूला सभी को पता है आपको, 1 बाई एक्स होता है, तो यहां पे मैंने ये लिख दिया. अब एक बार इसका हुआ चेन रूल, तो क्या हो जाएगा बच्चों, sec स्क्वायर t बाई टू. अब एक बार t बाई टू का होगा बच्चों, तो 1 बाई टू आ जाएगा. अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आपका आ जाएगा माइनस साइन t प्लस 1 बाई साइन t. इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो ये आएगा. अब ये आपका क्या हो जाएगा, a 1 माइनस साइन स्क्वायर t अपॉन साइन t. ये आपका आ जाएगा a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t. ये आपका dx अपॉन dt आ गया. अब हम लोग dy अपॉन dt निकालेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, a cos t आ जाएगा. अब दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है इस तरीके से, तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx dy अपॉन dt a cos t और अपॉन dx अपॉन dt a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आपका आ जाएगा tan t. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन क्या करना है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान से काम करना है, बिल्कुल यही काम करना है. dx अपॉन, अब की बार थीटा है, यहां पैरामीटर आपका ये आपका t था, यहां पे थीटा है, तो dx अपॉन d थीटा कर देते हैं. क्या आ जाएगा बच्चों, 1 माइनस cos थीटा, मैंने डिफरेंशिएट कर दिया बच्चों यहां पे. तो ये आप जब करेंगे तो ऐसा फॉर्मूला लगाइए जिससे 1 कैंसिल हो, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा. यहां पे करेंगे, यहां पर पहले dy अपॉन d थीटा करेंगे, तो a 1 कांस्टेंट है 0, ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस sin थीटा, माइनस इनटू माइनस प्लस sin थीटा. अब आप दोनों का डिवाइड कर दीजिए, तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy अपॉन d थीटा a sin थीटा अपॉन 2a sin स्क्वायर थीटा बाई 2. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. अब इसको एंगल हाफ में तोड़ लीजिए, 2a sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 और 2a sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया cot थीटा बाई 2. थैंक यू.